हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं मछली का रेसिपी लेके आई हूँ, फिश करी। आप देख सकते हो मैं फिश को तलने के लिए मैंने फिश में नमक, हल्दी और मिर्चा पाउडर थोड़ा मिला के इसको मैरिनेट कर लिया था पहले ही, इस देख सकते हो। इसके बाद मैंने तलना शुरू कर दिया। मछली बहुत थी इसलिए टाइम लगा, फिर भी मैंने आप लोगों को शॉर्टकट में दिखाना चाहती हूँ कैसे मैं मछली बनाई अपने घर में। देख सकते हैं बारी बारी करके मैं सारा मछली तल लूँगी। मछली तलने के बाद आप देख सकते हो इसको पलटना पड़ता है। अभी 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 देखो इतना सारा मछली मैं तल चुकी हूँ। अब मैं मसाला के बारी है भूनूंगी। मसाले में सरसों का मसाला दी हूँ, सरसों लहसुन और जीरा और गोलकी होते गोल मरीच होता है उसका मैं, और प्याज डाल के पेस्ट बना ली थी, इसी को मैं भून रही हूँ। देख सकते हो ये मेरा भुनना हो गया, अच्छी तरह से मैं भून चुकी थी। अब मैं इसमें पानी डाल दी, और पानी डालने के बाद इस ये मेरा फिश करी उसका रस ही जो है वो उबालना शुरू हो गया था, इसलिए मैं पूरा ये बारी बारी करके सारा जो फिश में तल कर रखी थी वो मैं डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो कितना प्यारा कलर भी आया है और खाने में बहुत टेस्टी था फ्रेंड्स। आप लोग भी एक बार ज़रूर ट्राई करो, बहुत टेस्टी लगता है। इसी तरह आप लोग भी बनाओ। इसमें लास्ट में धनिया पत्ता डाल दी। बाय फ्रेंड्स।